पहले होता था मोतियाबिंद, अब आ गया है मोतियाबिंद, लोगों को दिल्ली दिख रहा है। गारंटी फलना की गारंटी चिलना की गारंटी, हिम्मत है तो दिखाओ, लोकल सांसद का फोटो लगा के दिखाओ कि गिगड़ी का सांसद की गारंटी, तब पता चल जाएगा आपका मार्केट में क्या हुआ। विपक्ष तानाशाही के तहत कार्रवाई करे तो हम लोग कैसे देख सकते हैं विपक्ष का सभा कहाँ होगा, उसका परमिशन है कि नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल बिल्कुल एकदम पारदर्शिता है ही नहीं चुनाव आयोग में। और तभी होगा जब यहाँ के बच्चे हाई क्वालिफाइड होंगे, अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी रशिया के स्टूडेंट को टक्कर देंगे, तब मेरा देश विकसित होगा। ऐसे कह जा किसी के कहने से विकसित नहीं। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नव निर्माण। लोकसभा चुनाव का वीडियो के माध्यम से लोगों तक जो माहौल होता है वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, और हमारे उसी बीच में एक हमारे व्यूअर्स हैं जो मिल गए हैं। वोडे दादा, आपको हम बहुत फॉलो करते हैं, आपके हर एक वीडियोज को देखते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं फैन है। आइए हम फैन से मिलाते हैं और हमारे दादा हैं, उन लोगों से उनके विचारों को भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, कितना खुशी लग रहा है कि मिल गए हैं हम? मोबाइल के वीडियोज में आप मुझे देखते थे और आज आपके हम सामने हैं, तो इतना खुशी मिल रहा है हमको कि हम अपना अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। क्या लग रहा है, बराबर वीडियो देखते थे आप? हाँ, जहाँ भी जाते थे रांची अच्छी ग्रिड सब वीडियो हम वाच करते हैं आपको। और हम कहाँ गए थे? और डुमरी तरफ गोटे गए हैं। मुंबई गए थे कि नहीं? हाँ, मुंबई भी गए थे। आप नहीं बोल रहे? मुंबई भी गए थे। मुंबई गए थे, हाँ। क्या लग रहा है इस बार 24 का माहौल क्या रहेगा? 24 का माहौल जो चल रहा है जयराम महतो का, वही जयराम जी ही चलेंगे। हाँ, और भी मथुरा प्रसाद हैं, सीपी हैं, मैदान में हैं, उन लोगों को भी तो ध्यान देना चाहिए ना कि उन लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उन लोग का ध्यान दिए हैं, उन लोग कितना बार चांस देंगे? आप नया पार्टी आया है, नया देखेंगे सोच। अच्छा अच्छा, मतलब कि उन लोग को देख चुके हैं, अब नया युवा के साथ जाना है। हाँ, नया युवा के साथ जाना है। उन लोग को तो देखे, उन लोग तो 15-20 साल से राज करके रहा, तो इस बार नया आया है, तो इसको भी देख के देखेंगे इस बार। एक बार इसको भी देख के देखना। चलिए, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, है ना? ठीक। हमारे साथ भैया हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है बताइए? माहौल 2024 का तो बहुत अच्छा है, हमारा जो संगठन जैविक केसेस है। ये आप बोल रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, पर विपक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि चौधरी जी निकल रहे हैं। अरे भाई, जो विपक्ष को कहना है वो कहने दीजिए, लेकिन वो विपक्ष के लोगों को हम सलाह देंगे कि आप जमीन पे आके फील्ड का मुआयना ले करके देख लीजिए। आप घर घर में टोला टोला में जाकर के लोग बैठे हुए रहते हैं, मतलब अड्डा मोहल्ला में, आप वहाँ पे जाकर के लोगों से, लोगों का मन जो है, उन लोगों का जो मनोभाव जो है वो जो पता कर लीजिए फील्ड में जा करके। अरे हवा हवाई में बात कर देने से कुछ नहीं होता, जमीन जो है ना, जमीन को पकड़ना और जमीन के तह तक जाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सीपी चौधरी या तो एनडीए का जो स्टेटमेंट जो आ रहा अभी कि हम केंद्र के मतलब विचार से चुनाव लड़ेंगे, भाई हमारे झारखंड में भुखमरी है, पलायन है, बच्चा कुपोषित है, बच्चा लोग मेरा भविष्य है, जो उन लोग स्कूल का ढंग से पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं मिल रहा, उसका ध्यान नहीं देना है। मतलब लोगों को अब जो है ना, झारखंड के लोगों को एक अलग सा बीमारी आ गया है। पहले होता था मोतियाबिंद, अब आ गया है मोतियाबिंद, लोगों को दिल्ली दिख रहा। क्या कौन बीमारी आ गया नया? मोतियाबिंद पहले मोतियाबिंद, अब मोतियाबिंद आ गया। मोतियाबिंद आ गया। मोतियाबिंद में होता क्या था कि नजदीक दिखता था, दूर नहीं दिखता था। अब मोतियाबिंद में डायरेक्ट दिल्ली दिखता है, लेकिन अपना गांव खराब नहीं दिखता, अपना गांव का गली नली शिक्षा स्वास्थ्य कुछ नहीं दिखता। लोगों को घर, बहुत सारे लोग जिनको मोतिया मतलब बीमारी हुआ है ना मोतियाबिंद का, वो दिल्ली का चर्चा करते हैं। अपना घर का बच्चों का पॉइंट नहीं है, चड्डी नहीं है, ड्रेस नहीं, उसका चर्चा नहीं करना है। इसका व्यवस्था कैसे होगा? इस सब का टोटल चीज का व्यवस्था रोजगार से होगा। झारखंड में जितने भी राजनेता हैं, बारी बारी से जिन लोगों ने राज्य के सत्ता पे काबिज होकर शासन चलाया है, उन लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जितना भी लोगों को बार्गेनिंग किया, प्रलोभन दिया, लेकिन आप रोजगार से किसी को जोड़ने का काम नहीं किए। जब तक आप लोग रोजगार से लोगों को नहीं जोड़िएगा, लोग यहाँ यहीं पे झारखंड के जमीन पे रहकर अगर रोजगार अपना सृजन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे किसी तरह का विकास विकसित तो छोड़ दीजिए, विकास भी नहीं होगा। जैसा कि आप देखेंगे तो मुद्दा जो है वो मुद्दा गौण है। मुद्दा कौन है? मुद्दा कौन है? नियोजन की बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। लोग ये कह रहे हैं क्षेत्र का नहीं, सेंट्रल का है, तो क्या क्षेत्र में समस्याएं नहीं है? अरे भाई, सेंट्रल क्या है? सेंट्रल के अंदर तो ग्रीड संसदीय क्षेत्र है, सेंट्रल के अंदर ही तो झारखंड है, तो सेंट्रल कौन सा अलग है? झारखंड से बाहर क्या सेंट्रल है? यानी कि बुड़बक बना के लोगों को वोट लेना। अरे भाई, मोदी विकसित बना रहा, विकसित का परिभाषा क्या? ग्रीडी विकसित होगा, मेरा देश विकसित होगा, विकसित का परिभाषा क्या? विकसित का परिभाषा है कि हाई क्वालिफाइड होना,
यहाँ के नौजवानों को, स्किल डेवलपमेंट होना यहाँ के नौजवानों को, आर्थिक संपन्नता होना यहाँ के नौजवानों को, यहाँ पे उद्योग धंधा का मतलब बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर विस्तार होना, तब हम विकसित कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन बहुत निम्न स्तर का झारखंड का है। अभी भी आप गांव देहात में जाइए, आदिवासी जो गाँव है हमारे जंगल के बीच में, वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, खाने का समस्या है, पढ़ाई एकदम गौण है। तो भाई विकसित भारत का आपका परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? विकसित भारत तभी होगा जब यहाँ के बच्चे हाई क्वालिफाइड होंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया के स्टूडेंट को टक्कर देंगे, तब मेरा देश विकसित होगा। ऐसे किसी के कहने से विकसित नहीं होगा। चलिए संजय जी हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या लग रहा है। जिस तरह से मुद्दाएं गौण है, पार्टियां तो आ रही है, पार्टियां तब आती है जब चुनाव होता है। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले साल, दो साल, तीन साल, चौथा साल में भी आना चाहिए और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकरण के लिए सांसद और विधायक का काम करना चाहिए? पर क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक वोट का समय था उस समय आते हैं और फिर वोट का समय आ गया तो अब आएंगे? सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आज के डेट में पॉलिटिक्स ना एक कंपनी रूल कर गई है, मतलब कंपनी में जो प्रोटोकॉल होता है ना उसको फॉलो किया जाता है एज ए राजनीतिक पार्टियों में। वो ये है कि आज के डेट में आप देखिए आईटीसीएल, आप देखिए बीजेपी का कितना खतरनाक होता है। एक तरफ तो मोदी का एडवर्टीजमेंट होता है, मतलब पूरा बीजेपी का जो भी फंड आ रहा है 35,000-40,000 करोड़ जो भी फंड है, जो भी लेटर एंट्री से जो घपलाबाजी करके जो फंड आ गया है, पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट मोदी पे जा रहा है। मोदी की गारंटी, फलना की गारंटी, चिलना की गारंटी, हिम्मत है तो दिखाओ लोकल सांसद का फोटो लगा के, दिखाओ कि गिगड़ी का सांसद की गारंटी, तब पता चल जाएगा आपका मार्केट में क्या हुआ है। तो ये पूरी मार्केटिंग होती है, उसके आधार पे जो नेगेटिव मुद्दे हैं उसको कैसे ग्राउंड पे भेजा जाए ये मुद्दा होता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की गूल होती है, अपना आईटी सेल लगा के रखे हुए हैं उतने उतने। मैं बताता हूँ, जेबीकेएसएस के पास इस तरह का थॉट फोल है ना, इस तरह का सोच है कि फंडिंग होती, और आज देखिएगा यदि हमारा सत्ता आता है या हमारे जो एक दो सांसद जीत के आते हैं तो आप देखिएगा कि टक्कर देने वाला झारखंड में होगा तो सिर्फ जेबीकेएसएस ही होगा। ऐसा नहीं, मुद्दा है, उठा नहीं पा गए लोग, और उठाएंगे कहाँ से? आप उठाने जाइएगा तो आपके नाम ईडी, आप भ्रष्ट कर चुके हैं, ठीक है, जो परमिशन है उसको हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो एसडीएम का कहना था कि एक पोर्टल वहां से आप जाके देख लीजिए, हम आज लॉगिन करके देखते हैं तो उसमें सिर्फ ऑफिसर लॉगिन, आप गेस्ट लॉगिन है ही नहीं, पब्लिक लॉगिन है ही नहीं, आप उसको लॉगिन करके उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड ही नहीं कर सकते। तो आप बताइए अगर यदि हमारे ऊपर विपक्ष तानाशाही की तरह कार्रवाई करे तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि विपक्ष का सभा कहाँ होगा, उसका परमिशन है कि नहीं है? तो ये प्रोटोकॉल बिल्कुल एकदम पारदर्शिता है ही नहीं चुनाव आयोग में, सिर्फ कहने का है कि हम पारदर्शिता कर गए, कुछ नहीं पारदर्शिता है। अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग का जो खर्च है 95 लाख से अब हो जाएगा, हमने रिकॉर्ड उठा के देखा है, जो बीते जो इलेक्शन हुई है 3-4 इलेक्शन उसमें 25 से 30 लाख 40 लाख मैक्सिमम जगन्नाथ महतो जी का 42 लाख खर्चा हुआ था। हम लोग अचंबा हो गए कि भाई हम लोग एक टेबल कुर्सी लेके जाते हैं, किसी को पेट्रोल खर्चा नहीं देते हैं, किसी को आने के लिए नहीं खर्चा देते हैं, ना पूरी सब्जी चलता है और ना खिचड़ी चलता है कहीं पे, जनता अपने आप दौड़ती है। हम लोग मना करते हैं कि भाई गाड़ी मत चलाओ, मत चलाओ, आचार संहिता है उसमें मत हम लोग को फंसाओ, चुनाव तो जीत नहीं गए, हम लोग को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस नहीं आना चाहिए। हम लोगों को बोलते हैं फिर भी लोग नहीं मानते, उसमें सोचिए बोलते हैं आपका खर्चा अब चल जाएगा, और यहाँ आपको पता है चुनाव कैसे होता है, उन लोगों का खर्चा जाएगा 43 लाख, हाईएस्ट है जगन्नाथ महतो का खर्चा। ये सांसद महोदय का खर्चा जो सीपी चौधरी का, उसका 33-32 लाख रुपया खर्चा, उसमें से बोला है कि 2.5 लाख रुपया पार्टी फंड से मिला है खर्चा करने के लिए, पार्टी फंड तो उसका उसका पर्सनल खर्चा तो कम ही हो गया ना, 2.5 लाख घटा दीजिए उसमें, और इनको 12 लाख मिला था पार्टी फंड से, जेएमएम से। तो हम लोग अचंबा होते हैं, 42 लाख में 12 लाख घटा दीजिए तो 83 लाख खर्चा कर गए, ऐसा हो सकता है जी? कितना पैसा बढ़ता है सबको पता है,